तो भाई OnePlus अपनी Nord सीरीज के अंदर 20 से लेकर 35,000 के अंदर स्मार्टफोन्स को लॉन्च करता है, जहां पर ऑलरेडी हमने OnePlus Nord Series 3 Lite को देख रखा है। OnePlus Nord 3 बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा, उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो कर रखा है, नहीं देखा जाकर देख लेना। लेकिन भाई इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेडिकेटेड एक बीच के स्मार्टफोन के बारे में, यानी OnePlus Nord Series 3 के बारे में, जिसको लेकर बहुत सारे कन्फर्म स्पेसिफिकेशन सामने निकल कर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्या कुछ प्राइसिंग होगी Nord Series 3 की, और कब तक के अंदर ये डिवाइस भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, एंड वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे ना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करके OnePlus Nord Series 3 के परफॉर्मेंस चिपसेट के बारे में बात करना चाहेंगे। तो देखो, ये फोन के साथ में लीक्स के अकॉर्डिंग स्नैपड्रैगन 780G वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंप्रूव वर्जन है स्नैपड्रैगन 778G का, जो कि ऑलरेडी हमने काफी सारे फोन के अंदर देख रखे हैं। और भाई स्नैपड्रैगन 778G काफी अच्छा चिपसेट था, ऑप्टिमाइज था, तो स्नैपड्रैगन 782G भी एक इससे अच्छा चिपसेट होने वाला है, तो डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग अच्छी निकाल कर दे देगा। लेकिन भाई इसके साथ में आपको एंड्रॉइड 13 देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि बेस्ट होगा ऑक्सीजन 13.1 पर। वहीं पर अगर बात करें इस फोन के डिस्प्ले को लेकर, तो आपको 6.7 इंच की एक बड़ी साइज स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, फ्लैट स्क्रीन होगी, आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे पंचोल कटआउट देखने को मिल जाएगा, और एक फ्लूइड एमोलेड पैनल होने वाला है, जो कि 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगा। 950 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन हां, सैडली यहां पर इस बार आपको एलर्ट स्लाइडर नहीं देखने को मिलने वाला है, लेकिन फोन में आपको एयर ब्लास्टर, एनएफसी और एक्स एक्सिस लीनियर मोटर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। फोन में बैटरी और चार्जिंग की बात करें, तो 5000 एमएच की बैटरी देखने को मिलेगी, और इसे चार्ज करने के लिए 80 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट इस प्राइस के ऊपर मिलेगा, जो कि काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है। और 80 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, डुअल स्टूडियो स्पीकर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और फाइनली बात करें इस फोन के कैमरास को लेकर, तो बैक में ट्रिपल कैमरा लेंस होने वाले हैं, और काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग, बिकॉज प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल सोनी IMX890 वाले सेंसर के साथ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 का मैक्रो, 16 की सेल्फी, बैक से 4K की रिकॉर्डिंग 30fps तक आराम से कर पाओगे, फ्रंट में आप 1080p तक की रिकॉर्डिंग कर पाओगे। फाइनली बात करें इस फोन की प्राइसिंग और इंडिया लॉन्च अवेलेबिलिटी के बारे में, तो भाई देखो, जो कुछ अब तक स्पेसिफिकेशन सामने निकल कर आ रहे हैं और लीक्स की बात करें, वो अपने बेस वेरिएंट के साथ में 25,000 के करीब देखने को मिल जाएगा, और इंडिया लॉन्च की बात करें ना, तो आपको जुलाई के एंड तक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर। तो भाई ये काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस लगता है, Nord Series 2 से काफी हद तक अपग्रेड लगता है। लाइक यहां पर आपको 120 हर्ट्ज का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है, आपको अच्छा चिपसेट देखने को मिल रहा है, कैमरास में भी काफी तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ, एलर्ट स्लाइडर नहीं है। तो भाई अभी तक ये लीक स्पेसिफिकेशंस है, ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस का जरूर वेट कर सकते हो आप। और भाई वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।